मुल्क के हालात मतीदी रियासत को मतीदी युल को दुनिया युल के तमाम युल गम्मा बसम अमन अमान मिलना मिसाल सी शख्सियत गांधी युल जरे मारूफ और मशहूर युद्ध दी युल पे दसन अनासिर खटोस खचिगिस कोशिश पे भी उतरा सोसे जाती मफाद मिलना पार्टी मफाद मिलना नाअमनी फैलाए भी मिलना बेंचिक कसुम कसुम की कोशिश उन बेन युद्ध खुसूसन मुसलमान टारगेट बेंचिक बरगा हिजाबी मसला हिजाबी का पाबंदी तां से फुलंग सुने तालीमी कर महमूद से बरगा हलाली का पाबंदी तां से जबकि तमाम गम्मस हलाली तरफ ना रुझान जग ना सा बरगा हिंदुस्तान शान इनमी हजारों हजार साल नजर युद्धी सैकड़ों साल नजर युद्धी मसाजिद कौन की दोनी मीनारों हिंदुस्तान शान इनम दोनों का नजर भी बाउन दोनों आजामों हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब अलामत निशानी इनम दोनों का पाबंदी तां से अकलियत इस्लीम दो शुपिलस बेनियुद देगा मजहब पा उकसाई में से मजहब न मजहब को न पोर जब से रंसों से मतलब ही मिलना खुसूसन मुसलमानी जात को न बाकी अकवाम और रिजा में मिलना मुसलमान टॉर्चर में चीज़ दे फरेस कश्मीर फाइल दे रशोस और दयानु दूसरों से असिस्टेंस हकीकत को बसे बातिल को सही सही बातिल बसे देर या पड़ोसे रे लोग मुसलमानों के हिंदुस्तान बाकी ये लोग यानु सीना खलोक सों के तो मुसलमान उन दोस्तों से इंसुक जर इस्लाम खान से दोस्ती बसे समझा बस फोन दे फैलिंग परचोस और देख रे टैक्स ना फ्री बसे पार्लियामेंटी मेंबर उन लोग तवसिया बसे बिल्कुल शिखे जरे यूल खजिया असेंबली मेंबर उन लोग पहला फिर बोलता चुस और दोनों अहमियत ना सकता चुस ताकि इसमें जज्बा हो लो मनाफरत ना नफरत फैलाए चो दे मीना दिलास को बस और गुंदेवला सीतापुर यूपी दोनों अनु जरा नफरत फैलाई में नतीजे कि मुस्लिमी खवातीन ला नामोस ला खिताब सों से दमकी बड़े लहजे में कहा कि हम इस्मत दूरी करेंगे ये भी एक मजहबी सनातन धर्म के साधुओं की जबान से आवाज निकलती है ये शोभा नहीं देता है किसी मजहबी रिलीजियस मसूलियत वाले शख्सियत के लिए और दोनों अम्बो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए सिखों को भी टारगेट किया गया एक हफ्ता पहले जम्मू में सरदार बेटियों को स्कूल में आने से मना किया हिजाब बगैर आने को कहा इस तरीके से टारगेट कर रहा है अकलियत को क्योंकि महंगाई को रोक नहीं सकता बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकता है इनको इन चीजों के आड़ में छुपाने के लिए नफरत फैलाने की ये कार्य कर रहा है जो कि बहुत बड़ी मजम्मत और मजमूम शे है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इसी सिलसिले के कड़ी है हमारे लद्दाख के अंदर भी बातें हो रही है ये काम हो रहा है पिछले हफ्ता माह शाबान में सराई पर जो कुछ मामला हुआ उसके बाद जो हमारे तकरीरें हुई हर जगह से उन सारी तकरीर की बयान निचोड़ एक ही था लेकिन टारगेट करके आईटीएमटी के तकरीर को गलत नुक्ता निकाल कर यूं कहा गया है कि लोगों को उकसाया है भड़काव तकरीर की है जबकि आज भी मेरी तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है हर एक जमीन को देख सकता है आंख काम रखने वाले देखे और सुने हमने आईना दिखाया था हमने कहा था कि करगिल अब उनका गहवारा है यहां अकलियत को हथेली पे उठा के रख रहा है यहां अपने जान से भी प्यारा समझकर लोगों को रख रहा है अकलियत को अकलियत किसी को भी शिकायत नहीं है इन अकलियतों को अक्सरियतों के खिलाफ पलटाने के लिए उस तकरीर में से गलत नुक्ता निकालता है उस तकरीर पर गलत इल्जाम लगाता है कि लोगों को भड़काया कहकर जबकि तकरीर में ऐसे कोई बात नहीं है ये इसलिए कर रहा है ताकि लोग एक दूसरे के साथ नफरत फैल जाए लोगों के अंदर
और अपने हदफ पर वो पहुंच जाए और हम अपने हदफ से महरूम रहे। ये इसलिए कि करगिल और लेह के अंदर पिछले दो सालों से बहुत सारे मसाइल से लोग रोबरू हैं, दरपेश हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी सब जोड़कर इन मसाइल के हल तलाश रहे हैं, इनमें दरार पैदा करने के लिए, इनमें इख्तिलाफ पैदा करने के लिए ऐसे बात लाकर लोगों के सामने पेश कर रहा है, जो कि बड़ी मजम्मत वाली शय है, चीज है जिसके हम मजम्मत करते हैं। हम ऐसे लोगों में, ऐसे कौम में से नहीं है जो लोगों को उकसाते फिरे, जो अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करे। हम ऐसे कौम में नहीं है। हमारी कौम, हमारी मिल्लत अकलियत को तहफ्फुज देने में सैकड़ों साल से हमारी रिवाज रीति रही है, और ये जो धमकी दे रहा है FIR का और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाए रखे हैं, हर वक्त इन्हें FIR दर्ज कर लो, इन्हें पेशी कर लो करके। हम FIR से डरने वाले नहीं हैं। हम किसी कचहरी से, किसी जिंदाल से, किसी हथगड़ी से, किसी इस्तगासे से डरने वाले नहीं हैं। हम उस कौम में से हैं जिस कौम के आगा कहता है इनका नबी मुहम्मद लम यस्तकिम फया सुयूफ खुजीनी, ए शाम और तोहफे के तलवारों आओ मेरी जान भी ले लो, अगर दीन मोहम्मद की कयाम और इस्तकामत के लिए मेरी जान की जरूरत हो। हम उस कौम के पहले पोसे हुए हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, न जिंदान से, न फांसी से, न हर तरी से, किसी भी चीज से डरने वाले हम नहीं हैं। लिहाजा आवाम होश में रहे। हम उस दिन भी ये कह चुके हैं आवाम इन चीजों की निशानदेही करे, एक एक चीजों की जो लोगों को खरमन अमन को आदिश फसाद का नजर करने की जो तलाश में है, जो प्राप्त में है, जो कोशिश में है, वो लोगों को बढ़ाते हैं, उनकी निशानदेही करे, उनको पहचाने और उनसे परहेज करे और इनसे बचा के रहे। बल्कि हमने तो तकरीर में कहा था हमारी कयादत है, आज भी कहेंगे कयादत के इशारों पे चले, कयादत से बढ़कर काम न करें, अपने मनमानी के काम न करें, ये हमारी कौम कर भी रही है। हम लद्दाखी कौम इत्तेहाद के साथ अपने दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए एपेक्स बॉडी के और KDA के पुश पे खड़े रहेंगे, और हमेशा कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है कि हम एपेक्स बॉडी के पीछे KDA के पीछे खड़े रहे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। MP लद्दाख से हमारी शिकायत ये है, कल पार्लियामेंट में जाकर बूटी लैंग्वेज के बारे में बोला, जबकि बूटी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। अगर पार्लियामेंट में कोई बयान देना है तो हमारे यहां बढ़ रही बेरोजगारी का बयान देता, हमारे यहां जवानों को न मिल रहे रिक्रूटमेंट के बारे में बता देते, जो दो तीन सालों से रिक्रूटमेंट हुए हैं और उनका जो ऑर्डर नहीं आता है उनके बारे में बोलते, हमारे नौजवान नौमेद हो रहे हैं उनके बारे में बोलते, हमारे फ्यूचर नहीं है जवानों के उनके बारे में बोलते, हमारे जमीन, हमारे जायदाद अपने हाथों में नहीं उनके बारे में बोलते, महंगाई के बारे में बोलते, आज बूटी लैंग्वेज के बारे में जो बोल रहा है ये भी इन्हीं चीजों की इस सिलसिले की एक कड़ी है। बूटी कोई लैंग्वेज नहीं है। 700 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक थोंगी संबुटा नाम के शख्स आता है तिब्बतन से, वहां के राजा भेजता है, हमारे जबान को स्वीकृत नहीं है, कोई स्वीकृत ढूंढो करके, पाली और संस्कृत से निकाल कर एक स्वीकृत निकालता है जो एगे के नाम से मशहूर है। उस एगे में तिब्बत कबीर के अंदर तिब्बती जबान लिखता है, बल्तिस्तान के अंदर बल्ती लिखता है, यहाँ लद्दाखी लिखता है, स्वीकृत लैंग्वेज नहीं है। लोग समझे इन साजिशों को, और उसे लेकर वो भी अजीब हालत ये है, ये रूलिंग पार्टी के होते हुए अपोजिशन की तरह प्रेवेट बिल पास करता है, जो प्रेवेट बिल पेश करता है, प्रेवेट बिल अपोजिशन पेश करेगी, रूलिंग पार्टी को ये पब्लिक बिल पेश करना चाहिए था। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, लोगों की हालात को देखें, लोगों के हालात को समझें और लोगों को उकसाकर, लोगों को भड़काकर, वर बनाकर एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ लगाने की इन नाकाम सा
आज नापाक साजिशों से बाज आए और अपने जाती मफाद और अपने सियासी रोटी सेंकने से परहेज करे तो बेहतर है। ये हमारे लद्दाखी आवाम की आवाज और अपील है। आखिर तक गंगामा इंशाअल्लाह गुजारिश महसिया में इबादत खुदाए बारगाह कबूल सोशी हमेशा हक हिमायत बातिल मुखालिफ है दुखने गंगामा तौफीक सोशी और हमेशा रंज गते कौम मिल्लत की खिदमत दे नसीब सोशी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मकामी कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।